कि हरियाणा में 3 दिनों से रुक रुक कर बरसात हो रही है और गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर समेत लगभग सभी जगहों पर बरसात हुई है, जिससे मौसम फिर से ठंडा हो गया है। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। एक तरफ बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब हैं तो दूसरी तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है, यानी कि सड़कों पर भारी जाम और परेशान आवाम है। इसके अलावा वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरों में प्रशासनिक दावे पानी में बहते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। फरीदाबाद में जो है लगातार बरसात आ रही है और तेज बरसात आ रही है। आप देख सकते हैं कि बरसात के कारण जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करते हैं किसानों की, तो इस बरसात से जो है किसानों को काफ़ी नुकसान होने की आशंका है। यहाँ पर जो BDPO कार्यालय है, यहाँ हम खड़े हैं, तमाम जो किसान हैं वो यहाँ आते हैं, इनसे हम जान लेते हैं। भाई साहब, क्या मानते हैं, आप भी किसान हैं? हाँ जी, बिल्कुल किसान हूँ। कितना नुकसान होगा इस बरसात से? कौन कौन नुकसान क्या, ये तो पानी की नहीं है, हमारी नज़र में तो अकाल की बारिश है जी। इससे अकाल पड़ने की भी आशंका है। जैसे पिछले दिनों अभी सोहना में, गुड़गांव में बारिश हुई है, वहाँ पे हम जैसे देख रहे थे कि खेतों में बिल्कुल लेट गए हैं गेहूँ। मशीन तो क्या वो हाथों से भी नहीं कट सकते, और अब ये अकाल की बारिश हमारे यहाँ फरीदाबाद में भी बहुत जोरों से हो गई है, तो काफ़ी तेज़ बरसात हो रही है। भाई साहब, क्या मानते हैं, कितना नुकसान होगा खेतों में? भाई साहब, इससे बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान है। जैसा कि हमने सुना है, कल होडल से ऊपर बारिश हुई थी तो वहाँ पे किसानों को कम से कम 70% का नुकसान है। आज तो फरीदाबाद में जो बारिश हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान की आशंका है। कौन कौन सी फसल में नुकसान हो गया? इसमें रबी की फसल में गेहूं के नुकसान में है, आलू का भी है, गेहूं का भी। गेहूं का भी है, आप क्या मानते हैं भाई साहब? जी भाई साहब, जैसे मेरा मानना है, आज जो बारिश हो रही है, वाकई ये समझो कि ये तो किसान के मौत आने वाली बात है। क्यों मौत आने वाली बात, मैं कैसे कह सकता हूँ कि आज जो ये भगवान का प्रकोप ही समझो, किसान की जो फसल पूरी एकदम पक्के तैयार खड़ी है, पक्के तैयार खड़ी है, सरसों भी और गेहूं की भी, ये समझो कि पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। और बाद में क्या होता है, कहते हैं ना कि उसके मुआवजे के नाम पे कुछ नहीं मिलता, किसान बेचारे भटकते रहते हैं, कहीं पूरी साल मेहनत करते हैं और वो जरा से एक घंटे के अंदर वो बर्बाद हो जाती है पूरी तरह से। तो कहीं ना कहीं तमाम पूरे साल जो है किसान खेत में लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं बरसात जो है लगातार तेज होती जा रही है और इसका नुकसान भी किसानों को भारी मात्रा में जो होगा, तो कहीं ना कहीं किसान इस बात को लेकर पूरी तरह से चिंतित हैं, क्योंकि जो फसल है वो पूरी तरह से पककर तैयार है और खेतों में खड़ी हुई है, चाहे सरसों की फसल हो या फिर गेहूं की फसल हो, तमाम फसलों में इससे नुकसान होगा। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। इन खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सोनीपत से लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, फिलहाल आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार बरसात हो रही है और ऐसे में किसान चिंतित है और आमजन भी परेशान है। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद व्यक्ति हैं किसान हैं, धरती पुत्र हैं, गांव के नजदीक के व्यक्ति हैं जिनके आसपास के खेत हैं। हाँ। जान लेते हैं कि इस बारिश से कितना बड़ा नुकसान है। इस बारिश से जैसे आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, अगला खेत जो है वो ये फसल इसमें गेहूं की सब्जियों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि सब्जियों की जो फसल है वो भी बर्बाद होती है। और सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ पर अलग अलग राज्य के जो लोग हैं, मजदूर और मजबूर हैं, और फैक्ट्रियां भी काफी बड़ी हैं, तो दिल्ली नजदीक भी है, NCR नजदीक, दिल्ली सबसे बड़ी मंडी जो है आजादपुर मंडी भी लगती है, जहाँ पर सब्जियां बिकती हैं और तरह की जो यहाँ पर फसलें भी होती। कैसे 3 दिन की जो बारिश हुई है, इतना बड़ा नुकसान किसानों को हो रहा है, किस तरीके से इसकी भरपाई होगी, क्योंकि आज बजट भी है, मुख्यमंत्री भी 11 बजे बोलेंगे, तो क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद क्या करते हैं, फूल सब्जी का फूल फाल भी तो सब गल गया है, बदल गई, चौपट हो नहीं, हमारे को गवर्नमेंट को सरकार के मुआवजे की उसमें। देखिए साधना, जैसे किसान काफी बड़ा नुकसान है, ये काफी देश पर बोझ है, आम आदमी पर बोझ है, किसान पर तो है ही है, लेकिन प्रशासन पर भी है, सरकार पर भी है। और ये वक्त साधना इतना टाइट होता है, बच्चों के एडमिशन का भी जरूरत होती है, अनेक तरह की जो जरूरतें होती है इस समय पर पूर्ति होती है, पूरे साल की जो फसल है जिसको सोने का रूप दिया जाता है, जो गेहूं है,
पूरे 12 महीने जरूरत होती है, हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है, जीव जंतु को जरूरत है, लेकिन अब ये आपदा पड़ी है, 3 दिन की जो बारिश पड़ी है, ओला वर्षी हुई है, तो इससे काफी देश पर भी बोझ पड़ेगा, आम आदमी पर भी बोझ पड़ेगा। तो हरियाणा की न्यूज की टीम की तरफ से एक अपील है कि आज मुख्यमंत्री जो महंगाई का असर जो दिखाई देगा उस पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे, किसान के बारे में भी सोचेंगे कुछ अलग तरीके से, जो लोग उससे उम्मीद कर रहे हैं वहां भी कहीं ना कहीं वो जो है बजट में कोई ऐसी बात देखने को मिलेगी, क्योंकि ये आपदा जो पड़ी है ये बजट के टाइम ही पड़ी है, और जो काफी बड़ी बात है कहीं ना कहीं इस बजट में कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद है कि जो नुकसान हुआ है इसकी कहीं ना कहीं भरपाई होगी और महंगाई पर भी कंट्रोल कर पाया जाएगा, क्योंकि ये जो समय है ये काफी समय टाइट है। जी सरला, लाजपत बात की जाए तो आपने जिक्र किया है कि किसानों का काफी नुकसान हुआ है, तो अब फिलहाल किसानों की मांग क्या है, क्या मांग कर रहे हैं, क्या मुआवजे की मांग की जा रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल, मेरे साथ किसान है, उनसे फिर से बातचीत कर लेते हैं। जैसे आपका नुकसान हुआ है, आसपास का नुकसान हुआ है, और आज मुख्यमंत्री तो आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या मांग करते हैं, क्या इस पर कैसे कंट्रोल हो पाई, क्योंकि काफी बड़ा नुकसान है, पूरे देश पर बहुत पड़ेगा, सरकार पर भी पड़ेगा, हमारे पर भी पड़ेगा, आम आदमी पर भी पड़ेगा। हम क्या करें सर? बिल्कुल लाजपत, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए और किसान से बात करने के लिए। तो मेरे सहयोगी पानीपत से जितेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, फिलहाल पानीपत में क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि किसान बेहद परेशान है, 2-3 दिनों से लगातार बरसात हो रही है और ऐसे में आमजन भी परेशान है। देखिये साधना, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं मौसम विभाग की बात करूं तो आने वाले 1-2 दिनों के अंदर हरियाणा के अंदर कहीं जगह जो है बारिश हो सकती है। फिलहाल जो है मौसम जो है खुल गया है। रही दूसरी बात के लगातार जो है पानीपत में हमने ये देखने को मिला है कि बारिश के साथ साथ जो है ओलावृष्टि भी पड़ी है, और जिसका सीधा असर जो है वो गेहूं की फसल पर पड़ा है। बहुत तेज हवाओं चलने के कारण गेहूं की फसल भी लेट गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आने वाले दिनों में जिस तरीके से किसान जो है सरसों की फसल को लेकर कहीं ना कहीं रेट को लेकर परेशान थे, तो वही फसलें जो है अनाज मंडी में है, फसलों के भीगने की भी सूचना है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके अंदर नमी आई है तो फसलों को भी नुकसान है। आप ये कह सकते हैं कि इस बारिश ने जो है लगातार किसानों को जो है चोट पहुंचाई है। और जहां तक जल भराव की बात है तो पानीपत के अंदर आप देखिए, मैं बस स्टैंड के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि देखिए रात से बारिश हुई थी तो अचानक अब भी जो है पानी कहीं ना कहीं भरा हुआ है, तो व्यवस्था जो है बिगड़ी हुई है। लेकिन जहाँ ये बारिश हुई है, बारिश के कारण लोगों के साथ साथ किसानों को बहुत परेशानी हुई है। जी साधना, बिल्कुल जितेंद्र। जितेंद्र बात की जाए तो क्या पानीपत में जाम और जलभराव की स्थिति भी देखी गई है, क्या ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिली हैं? बिल्कुल साधना, देखिए कल से जो है बारिश जो है रुक कर बारिश हो रही थी, दिन के अंदर जो है तेज बारिश हुई, उसके बाद ओलावृष्टि भी हुई, जिसके बाद जो है जाम की स्थिति है। और मैं आपको बता दूं कि पानीपत में इस जगह थोड़ा सा सामान्य दिख रहा है, लेकिन आसपास के जो क्षेत्र है, चाहे SD कॉलेज रोड हो, चाहे पुराना कोर्ट रोड हो, वहां पर जो है 1-1.5 फुट पानी जमा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि पानी की निकासी न होने की वजह से पानी जमा है, लोगों के आने जाने में दिक्कत हो रही है। और रही दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा अगर नुकसान कहें, देखिए किसानों को है, किसान जो लोग लगातार फसलों को लेकर जो है सक्रिय रहते थे, अब की बार जिस तरीके से गेहूं की फसलों में अचानक जो ये बारिश हुई है तो उससे गेहूं की फसलों को 50% नुकसान है। अब देखना यह है कि इसको लेकर किसानों का क्या रवैया रहता है। वहीं चर्चा के दौरान जो है मुख्यमंत्री भी इस मामले को भी उठा सकते हैं। जी चलिए जितेंद्र, बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए और बहुत शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए। तो देखिए बरसात लगातार हो रही है और इसी की वजह से हरियाणा के किसान भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, और बरसात की वजह से अन्नदाताओं की फसल जो है वो नष्ट हो गई है और गेहूं के खेतों में पकी हुई जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। तमाम तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, अम्बाला, कलानौर, झज्जर, पिरथला, गोहाना, कैथल, पानीपत, सोनीपत, यानी कि तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग परेशान हैं। एक तरफ तो लोग जाम की स्थिति से परेशान हैं, उधर जल भराव है, उधर किसान परेशान है। फसल पककर तैयार थी लेकिन लगातार बरसात हुई,
तो तमाम किसानों की जो फसल है वो खराब हो चुकी है। हालांकि कई किसानों का तो ये भी कहना है कि सरकार जो है वो हमें मुआवजा दे, लगातार मांग की जा रही है मुआवजे की। तो देखा आपने तमाम तस्वीरों में ओलावृष्टि की जो स्थिति है वो भी कल जिस तरह से देखने को मिली, और मौसम तो सुहावना है ही, गर्मी से राहत तो मिली ही है, लेकिन उधर लोग परेशान हैं। जो लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें देरी का सामना करना पड़ रहा है, वो लेट पहुंच रहे हैं। उधर किसान जो है वो बेहद परेशान है क्योंकि फसल पककर तैयार थी, इधर कटने के लिए तैयार थी फसल, लेकिन बारिश की आने की वजह से वो फसल खराब हो गई है और मुआवजे की जो मांग है वो तमाम किसान यहाँ पर कर रहे हैं और सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि आप मुआवजा दें हमें। तो मुआवजे की मांग तो लगातार की ही जा रही है। तमाम तस्वीरें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, अम्बाला, कलानौर, झज्जर, पिरथला, गोहाना, कैथल, पानीपत, सोनीपत, तमाम तस्वीरों में ही, और जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है और बारिश के कारण ही किसानों की फसल खराब हुई है और इसी के चलते ही किसान बेहद परेशान हैं, चिंता की लकीरें किसानों के माथे पर हैं। और कल भी जिस तरह से तेज बरसात हुई, गुरुग्राम में भी कल बरसात हुई, उधर फरीदाबाद में भी 3 दिनों से लगातार बरसात है, रेवाड़ी में तो ओलावृष्टि तक हुई, और रोहतक में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, जल भराव और जाम की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली। अम्बाला में देखिए आप लोग जो हैं वो किस तरह से बेहद परेशान हैं, हालांकि 4-व्हीलर से घर जा रहे हैं, लेकिन जल भराव जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है।